आदमपुर के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी पर सबकी निगाह लगी हुई थी। आम आदमी पार्टी को लेकर ही सस्पेंस था कि आम आदमी पार्टी इस बार क्या गुल खिलाएगी। पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को नया करंट मिला था, नई ऊर्जा मिली थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल द्वारा आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद यह लगने लगा था कि इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगी, एक बड़ी ताकत साबित होगी और उलटफेर करने के खेल में शामिल हो सकती है। जिस दिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इस्तेंद्र सिंह ने फार्म भरा था, उस दिन वह 15 से 20 हज़ार वोटों पर खड़ी थी, लेकिन मतदान की तारीख यानी आज तक आते आते यह वोट बैंक की संख्या 4-5 हज़ार तक सिमट गई। आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी एक डार्क हॉर्स साबित होने की बजाय एक छुटबैया पार्टी के तौर पर नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान को डिसाइड करने वाले 5 किरदार थे। इन्हीं 5 किरदारों पर आम आदमी पार्टी का पूरा चुनाव टिका था। इन किरदारों के नाम थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता, चुनाव के इंचार्ज अनुराग ढांडा, पूर्व सांसद अशोक तंवर और 5वें प्रत्याशी सतेंद्र सिंह। आइए इन चारों शख्सियतों के बारे में अलग अलग से विस्तार से चर्चा करते हैं कि इन्होंने अपने किरदार को ईमानदारी से निभाया या उन्होंने बेईमानी को अंजाम दिया। किरदार नंबर 1, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं और देश की राजनीति में परिवर्तन के प्रतीक हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने आदमपुर में तिरंगा यात्रा को निकाला, जिस तरह से वहां पर भीड़ जुटी, जिस तरह से केजरीवाल ने वहां पर चौधर के सवाल को उठाया, उसे यह लगा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों ही आदमपुर के उपचुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन केजरीवाल जी अचानक ही आदमपुर को लेकर पलट गए। आदमपुर उनके पिक्चर से गायब हो गया और उनके एक्शन प्लान में कभी भी आदमपुर नहीं दिखा। आदमपुर के उपचुनाव में एक बार भी अरविंद केजरीवाल नहीं आए। अरविंद केजरीवाल के नहीं आने के चलते आदमपुर का चुनावी दंगल आम आदमी पार्टी के लिए खराब हो गया। अगर केजरीवाल आते तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ बड़ा होता। खास बात यह है कि जिस दिन आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन भरा था, उस दिन केजरीवाल हिसार में मौजूद थे, लेकिन वे 5 किलोमीटर दूर नामांकन में शामिल नहीं हुए। उसी दिन से एक खटका हो गया था कि केजरीवाल के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, जिसके चलते वे चुनाव से दूर हो रहे हैं। और अंत में आते आते यह बात साबित भी होगी कि जब रोड शो में आने का प्रोग्राम केजरीवाल ने कैंसिल कर दिया। केजरीवाल के ऊपर ही आम आदमी पार्टी का पूरा चुनाव था। केजरीवाल के नहीं आने के कारण ही आम आदमी पार्टी का चुनाव का बंटाधार हो गया। तो इस मामले में केजरीवाल रणछोड़ साबित हुए और उनके कारण ही आम आदमी पार्टी का चुनाव खराब हुआ। आम आदमी पार्टी के दूसरे किरदार थे सुशील गुप्ता। हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता लगातार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में जड़ें मजबूत करने के अभियान में जुटे रहे हैं। वो अपने आप को सीएम पद के दावेदार भी मानने लगे थे, लेकिन विरोधियों द्वारा उनकी महत्वाकांक्षा की बात दिल्ली दरबार में पहुंचाए जाने के बाद अचानक ही सुशील गुप्ता का कद काट दिया गया, उनके परकतर दिए गए। कुछ समय पहले जो सुशील गुप्ता एक सुपर पावर के तौर पर नजर आते थे, अचानक ही वे दबे दबे से नजर आने लगे, खामोश से नजर आने लगे और ये लगने लगा कि हाईकमान ने उनका वजन कम कर दिया है। हरियाणा के प्रभारी होने के नाते सुशील गुप्ता के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि आदमपुर के उपचुनाव को गंभीरता से लड़ते, उसकी चुनावी प्लानिंग की देखरेख करते, चुनाव में आ रही कमी बसर को दूर करते और चुनाव अभियान को मजबूती देने का काम करते। लेकिन सुशील गुप्ता अपनी ईमानदारी पर, अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने बजे हुए मन के साथ चुनाव प्रचार में हिस्सा तो लिया, वे बार बार हर गांव में गए, लेकिन उनकी दौड़ धूप से यह एहसास हो गया कि वे सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, क्योंकि उनके पास न तो पावर थी न अधिकार थे। इसीलिए सुशील गुप्ता ने सिर्फ औपचारिकता निभाई और हालात के बारे में हाईकमान को अवगत नहीं कराया। इसी वजह से आम आदमी पार्टी का चुनाव मैनेजमेंट फेल हो गया और इस मामले में सुशील गुप्ता भी इस किरदार के तौर पर एक जीरो के तौर पर, एक विलेन के तौर पर साबित हुए। किरदार नंबर 3, आम आदमी पार्टी के आदमपुर के चुनाव अभियान के इंचार्ज मीडिया पर्सन रहे अनुराग ढांडा थे। अनुराग ढांडा सियासत में नए नए आए हैं, उनमें ऊर्जा की कमी नहीं है, वो अच्छा बोलते हैं। ऐसे में आदमपुर का उपचुनाव उनके लिए कसौटी था, लेकिन इस कसौटी पर
अनुराग ढांडा खरे नहीं उतरे। अनुराग ढांडा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वे बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की चुनावी मैनेजमेंट बनाते, वे एक एग्रेसिव चुनाव कंपेन चलाते और अच्छे संसाधनों के साथ बीजेपी और कांग्रेस को बराबर की टक्कर देते। लेकिन अनुराग ढांडा भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने चुनाव मैनेजमेंट की जो पद्धति अपनाई वो पूरी तरह से फ्लॉप रही। अनुराग ढांडा को एक धारदार चुनाव रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन उनकी चुनावी अभियान की दुर्गति होती हुई नजर आई। उनकी अगुवाई में एक दिन भी आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर उठता हुआ नजर नहीं आया। अनुराग ढांडा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वे पार्टी के चुनावी ग्राफ को मजबूत करते, पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की ताकत दिखाते। लेकिन अनुराग ढांडा ने संसाधनों को लेकर हाईकमान को विश्वास नहीं लिया। हाईकमान ने उनको संसाधन नहीं दिए और अनुराग ढांडा एक बार भी यह नहीं दिखा सके कि उनके अंदर कैलिबर है, वे बड़ी सियासी ताकतों को टक्कर दे सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। अनुराग ढांडा की चुनावी मैनेजमेंट फेल हुई, इसलिए वे अपने किरदार को निभाने में पूरी तरह से फेल रहे। किरदार नंबर चार, पूर्व सांसद अशोक तंवर किरदार नंबर चार थे। आम आदमी पार्टी का आदमपुर में सबसे बड़ा चेहरा थे। पहले कांग्रेस में रहे अशोक तंवर को यह उम्मीद थी कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी में उनका रसूख बड़ा किया जाएगा, उनके हाथों में हरियाणा में पार्टी कमान दी जाएगी। लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। अशोक तंवर के कहने से ही सतेंद्र सिंह को टिकट दी गई। सतेंद्र सिंह के तौर पर यह कहा जाने लगा कि तंवर ही चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक तंवर ने भी अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की, वे लगातार फील्ड में जुटे रहे। लेकिन यह हकीकत है कि हाईकमान से अशोक तंवर को वह सहयोग नहीं मिला जो इस चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए चाहिए था। इस उपचुनाव को जीतने के लिए अशोक तंवर को मजबूत बैकअप चाहिए था, खासतौर पर फाइनेंशियली उन्हें बैकअप चाहिए था। लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से न तो पॉलिटिकल सहयोग मिला और न ही फाइनेंशियली बैकअप मिला। इसी वजह से अशोक तंवर भी वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। अशोक तंवर की सोच अच्छी थी और अशोक तंवर के मनसूबे अच्छे थे, लेकिन चुनावी प्लानिंग में उनकी राय को गंभीरता से नहीं सुना जाना, उनकी प्लानिंग को अमली जमा नहीं पहनाया जाना, यह साबित कर गया कि आम आदमी पार्टी हाईकमान में अभी भी अशोक तंवर को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, जो उनकी पॉलिटिक्स के लिए अच्छी बात नहीं है। अशोक तंवर कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी भागदौड़ काम नहीं आई और ऐसे में हाईकमान के असहयोग के चलते अशोक तंवर भी खुद के पैमाने पर खड़े नहीं उतर पाए। किरदार नंबर पाँच, सतेंद्र सिंह। पिछले 10 साल से आदमपुर की सियासत में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे सतेंद्र सिंह को आम आदमी पार्टी ने टिकट देकर यह सोचा था कि वे मजबूत खिलाड़ी साबित होंगे। एक तरह से उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वे पार्टी के चुनावी ग्राफ को एक बड़ा मुकाम दिलाने का काम करें। पार्टी हाईकमान द्वारा बैकअप नहीं दिए जाने के चलते सतेंद्र सिंह का चुनाव अभियान नहीं उठ पाया। लेकिन यह सतेंद्र सिंह की भी जिम्मेदारी थी कि वे आर्थिक तौर पर अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अपने चुनावी ग्राफ को पार्टी के सपोर्ट के बिना भी बेहतर तरीके से चलाएं। सतेंद्र सिंह उस तरह का अपना चुनावी मैनेजमेंट नहीं कर पाए जो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए जरूरी था। कहीं न कहीं सतेंद्र सिंह ने भी कंजूसी दिखाई और इस कंजूसी के कारण उनका चुनाव अभियान रोज दर रोज ऊपर जाने के बजाय नीचे लुढ़कता गया। अगर सतेंद्र सिंह अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते और दिलेरी से चुनाव लड़ते तो आम आदमी पार्टी का चुनावी ग्राफ कहीं अच्छा रहता। इस तरह से इन पांचों किरदारों के कारण आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान धारदार होने के बजाय एक फूस पटाखा साबित हुआ और जो आम आदमी पार्टी एक महीना पहले आदमपुर में बड़ी मजबूत सियासी ताकत नजर आ रही थी, वो आज 3 नवंबर को आते आते बेहद बेदम नजर आई और तीसरे और चौथे नंबर के लिए इन्हें लोगों के साथ संघर्ष करती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी के लिए आदमपुर का चुनाव या तो उन्हें शिखर पर पहुंचाने का काम कर सकता था या उन्हें एक छोटी मोटी पार्टी साबित कर सकता था। वर्तमान हालात का नज़ारा बता रहा है कि आदमपुर के चुनाव परिणाम के आने के साथ ही यह तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी कोई बड़ी ताकत नहीं है और 2024 में वह सत्ता की दावेदारी पेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आदमपुर के टेस्ट में आम आदमी पार्टी का पास होना जरूरी था, लेकिन यह इस परीक्षा में मेरिट में पास होने की बजाय पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसलिए आम आदमी पार्टी का भविष्य हरियाणा में 2024 के नज़रिए से अच्छा नज़र नहीं आ रहा। इन 5 किरदारों के कारण आम आदमी पार्टी का चुनावी ग्राफ शिखर पर होना चाहिए था, लेकिन 5 में से 4 किरदारों ने अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं किया, इंसाफी की, इसीलिए आज आम आदमी पार्टी का
चुनाव अभियान बेदम और बेअसर नजर आया और आम आदमी पार्टी लुढ़कती हुई नजर आ रही है, अपनी जमानत जब्त कराती हुई नजर आ रही है।